हेलो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने मैं जो लेकर आया हूँ वीडियो ना, ये आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब आपका चाहे वो जिस बुक से हो, मतलब आपका NCERT से ही होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे आप कोई बुक लेंगे, जैसे विद्या लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का अवतार लेते हैं, या आप राजीव प्रकाशन लेते हैं, या कोई भी तरह तरह की पुस्तकें, सभी में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके NCERT से है और आपकी बुक से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लगाएंगे और सोल्यूशन यहाँ पर दूंगा। आज आपका पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है, मतलब अगले पार्ट का पार्ट टू है। पार्ट वन इसमें का हो गया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका पार्ट टू है। पार्ट वन में आपका कुछ सवाल मैंने बताया था, तो ये आपका पार्ट टू है। और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल सोल्यूशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। क्वेश्चन यहीं पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से ठीक प्रकार से नहीं जुड़े हैं, तो अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट चेक करिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बेसिक से अगर केमिस्ट्री सीखना है तब भी, इंग्लिश बेसिक से सीखना है तब भी, और मैथ भी सीखना है बेसिक, सभी की प्लेलिस्ट लगी है। अपने हिसाब से प्लेलिस्ट चेक करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, तब उसके बाद कमेंट करना। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूँ। कैथोड किरण नालिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10^7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर की गणना करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो चीज़ें दी गई हैं, पहले उसको हम लिखना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन में मिल क्या कह रहा है, हमें देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर 10^7 बेग हमें मिल रहा है। हम बेग कुल, मतलब हमारा वी जो है ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये कितना मिला, 10^7, ठीक, ये मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो हमारा और कुछ कोई चीज़ विरामावस्था में आपका है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है वो भी पता होनी, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो भी पता होगा, मतलब ई का मान जो होता है ये होता है 10^-19, ये भी होता है, इसको भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ओके। और एक बात है कि आपका जो यहाँ पर क्यू होता है, आवेश जो होता है, और वो क्या है देखते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोड से जुड़े इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी आपका जो द्रव्यमान नहीं होता है उसको भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मतलब होता है आपका, इसका मान आवेश हो गया, मतलब आवेश की जगह हम इसको, चलिए देखिए सूत्र जो होता है उसे हम निकाल लेते हैं। सूत्र जो होता है हमारा होता है मतलब कि विभवांतर गणना करना, तो 1/2 एम बी स्क्वायर, मतलब जो आपका गति ऊर्जा सुने होंगे इस तरीके से होता है इस, मतलब ये ठीक, इसका सूत्र होता है आपका ये इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमें जब वेग विरामावस्था में निकालना है कि इसके गणना करना है, तो v को हम यहाँ पर बाहर करेंगे, तो v हमारा बाहर आ जाएगा, q आपका इसके भी बटे में चलेगा, मतलब 1/2 एम बी स्क्वायर के बटा में q भी लेके चले जाएंगे। अब हम इस फार्मूले पर अगर रखेंगे, तो 1/2 गुणा में m, अब यहाँ पर जो है m जो है आपका, m का मान जो है 1/2, ये ध्यान दीजिएगा, 1/2 इधर नीचे है, यहाँ पर m का मान हमारा जो होता है, m का मान, द्रव्यमान जो होता है ये वाला, 9^10^-31, ये आपका हो सकता है पेपर में मिले, लास्ट में आपको दिया रहेगा वैल्यू, जो भी पेपर में आपको वैल्यूज रखने को आती है लगभग वो पेपर में दिया रहता है, तो ये मान भी याद रख लीजिएगा कि 9^ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इस तरीके से हम अगर देखते हैं, 9^10^-31 ये हो गया गुणा, अब आपका जो यहाँ पर वी है, वी हमारा 10^-7 है, जो कि हम दो बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, इसको मैंने दो बार लिखा, बटा में आपका है कितना, बटा में आपका क्यू है, मतलब ये ई और क्यू दोनों एक इक्वल इलेक्ट्रॉन आवेश में होता है, तो ये हमारा 1.6×10^-19 ये हो गया। अब इसको आपको काटना है, जो बच्चे इसको नहीं काट पाते हैं
वो हमारी वीडियो को बेसिक वीडियो देखिए। बहुत सारी वीडियो इस तरह के काटने वाली मैं हर हफ्ते में चार दिन लेके आता रहता हूँ। वीडियो अगर देखना चाहते हैं ऐसे वीडियो तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए, और मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप विजिट कर लीजिएगा। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सर्च करिए, नहीं तो यहाँ अभी लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर काटना चाहते हैं तो कटेगा, लेकिन उससे पहले हम इसको देखिए, इस दो से हम कुछ ना कुछ काट लेते हैं। दो से हम काट लेते हैं नौ को, तो ये आ जाएगा 4.5। देखिए 2 × 4 = 1 बचा, 2 × 5 = 10, 2 खत्म हो गया, बचा ये। इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। दशमलव हटाने की प्रक्रिया हम समझाते हैं। देखिए 10 × 7 ही है, 10 × 7 ही है, दोनों मिला करके अगर हम देखते हैं 7 × 7 = 7 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.5 × 10³ - 3 है, देख वो 31 है। ये अगर हम जोड़ते हैं 7 × 7 = 14, ये तो 31 लिख दिए, गुड़े 10³ आपका यहाँ पर -14 हो जाएगा। और ये 1.6 × 10⁻¹⁹ है। यहाँ पर ये भी सेम अंक पे दशमलव है, सेम अंक पे दशमलव, इसमें दशमलव दशमलव समझिए कैंसिल आउट है, क्योंकि 10 से गुड़े उधर कर रहे हैं, 10 से गुड़ा, तो ये हट गया। अब बचा 45 16 16 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, इसको घात को हम सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेते हैं। 31 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, और 19 यहाँ पर है, ठीक है। तो ऊपर नीचे को हम कुछ काट देते हैं। अगर हम 19 काट देंगे 14 में से, मतलब 19 में 14 काट देंगे, तो यहाँ बचेगा -5⁻¹⁵ नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में है यहाँ पर, तो इसमें से भी कुछ कम कर देंगे, इसमें से भी आप कुछ कम कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें से कुछ कम करेंगे, 5⁻¹⁵ इसमें है और 31⁻¹⁵ इसमें है, 31⁻¹⁵ इसमें है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये माइनस में नहीं था, 7 प्लस में था, तभी तो गड़बड़ हो गया। चलो चलिए ठीक है। अब यहाँ से अब इसको हम, ये 19 माइनस में था, अब इसको मत काटिए, इसको मत काटिए, अब नहीं काटेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये 14 प्लस में हो गया। अब यहाँ से काट दीजिए, 31 में से 19 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 31 में से 19 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका, 1 × 20 और 11 उधर, तो 12 बचा। कितना बचा यहाँ पर, 12 बचा। 12 और 14 दोनों को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, तो ये इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा कितना, 2, ठीक है, इसमें बचेगा 2 और सारे, तो मतलब 45/16 देखते हैं, तो यहाँ पर 10³² हमारा बच रहा है, 10³² बच रहा है। अब इसको अगर 16 पहाड़ा पढ़ते हैं, इसको 16, तो 16 पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 × 2 = 32 पता है, 32 × 8 = 13 बचेगा, 130 बनेगा, ठीक है, 130 बनेगा। यहाँ पर दशमलव, इस दो जीरो को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 2 घात का मतलब इसमें 2 बार जीरो कर लेते हैं, बात एक ही हुई। यहाँ पर 32 आपको पता है कि 32 हुआ, 16 × 2 = 32, 3 × 13 बचा, कितना बचा, सॉरी 32 हुआ और 16 × 16 32, 8 × 8 = 13 ना, ठीक, 13 13 यहाँ पर 130 हुआ, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 43, 16 × 4 = 16, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो 16 × 8 = 128 होगा, 16 × 8 = 128, 2 बचा, 20 बनेगा। फिर 16 × 1 आप पढ़ेंगे तो 16 जाएगा, दशमलव लगा, 16 × 1 = 16 जाएगा और 4 बचा, 40 बना, 16 × 3 = 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 × 2 = 32 जाएगा, फिर इसी तरह 16 × 5 = 80 कट जाएगा। ऐसे कटेंगे तो आपका कट जाएगा, और ये 2 जीरो यहाँ भी ऐड गए, कोई जीरो की मचा वचा नहीं, सब खत्म। कैसे कटा आपको समझ में नहीं आता, फिर से समझाते हैं। देखिए 31 घात को 19 घात को मैंने काटा नहीं, घटाया, क्योंकि ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो घट जाएगा। 31 में से 19 घटा तो बचा आपका -12, यहाँ लिखे हैं -12, ये माइनस में है और 14 प्लस में है, ऊपर ऊपर ही है तो घटेगा, फिर से 14 में से 12 घटेगा, प्लस वाले में 2 बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, यही 2 आपका यहाँ बचा था। 2 घात का मतलब 10 घात 2 = 2 जीरो, तो 2 जीरो मैंने बढ़ा दिए, बस वही काम ऐसा। जिसको बात ना समझ में आई हो कमेंट कर देना, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, जो बच्चे कमज़ोर हैं थोड़ा, और जो बच्चे तेज हैं उनको थोड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस पर क्वेश्चन करें हम कुछ। तो अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा 2 ही क्वेश्चन लगवा पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वीडियो लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है, और 2 क्वेश्चन में बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसके बाद आपका परिपथ वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, परिपथ आरेख आपका बना हुआ है, परिपथ आप देख रहे होंगे,
और परिपथ आप देख रहे होंगे उसमें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना, आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। तो चित्र के अनुसार से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, चित्र के अनुसार से जो यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम जो है ना, जो नीचे देख रहे हैं 2 ओम और 3 ओम है ना, ये दोनों 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर श्रेणी क्रम में होता तो कैसे जोड़ा जाता है प्रतिरोध? वो डायरेक्ट जोड़ा, R1 प्लस R2 R3 ऐसे जोड़ा जाता है। तो R1 R2 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और प्लस 3 बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये हो गया ना। परिपथ में विद्युत धारा अगर हम देखते हैं, विद्युत धारा अगर देखते हैं, चलिए विद्युत धारा अगर हमें निकालना होगा कि परिपथ में विद्युत धारा कितनी है, परिपथ में धारा, धारा का सूत्र अगर हम पूरा परिपथ के हिसाब से निकालते हैं विद्युत वाहक, तो हमारा I बराबर होता है V/R, लेकिन V/R नहीं लगाना है हमें, यहाँ पर लगाना है E/R कैपिटल में और R स्मॉल छोटा लेटर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा E का जो मान है वो 12 है, चित्र में देखिए वोल्ट में जो है वो कितना है 12, और बटा में हमारा बड़ा R जो है, बड़ा R हमारा 5 निकल गया है, ये देखिए, प्लस जो छोटा आर है, छोटा आर कितना हमारा है 1 है, क्योंकि इसके बाद देखिए हमारा 1 ओम अभी बच रहा है, इस 1 ओम को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 5 1 और कितना हो जाएगा आपका 6 ओम कुल हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 6, और 6 से काटेंगे तो ये हमारा 12 और ये 6 तो कट जाएगा कितना? 6 दुगना 12, 2 वोल्ट, 2 एम्पियर धारा है तो एम्पियर में धारा 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हम संधारित पर विभवांतर निकालते हैं, संधारित पर विभवांतर, संधारित पर विभवांतर, विभवांतर संधारित विभवांतर, तो यहाँ पर V बराबर संधारित का विभवांतर, विभवांतर का सूत्र क्या होता है हम देखेंगे, V बराबर E माइनस IR, ये भी होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं तो E का मान जो हमारा है वो 12 है, I का मान जो हमारा 2 निकला, R का मान जो है हमारा 1 था, टोटल मिला करके 10 वोल्ट निकला। कितना वोल्ट निकला? 10 वोल्ट निकला। और संधारित्र का कुल धारिता, यदि मतलब माना जा रहा है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता मतलब तुल्य धारिता, तुल्य धारिता माना, मान लीजिए तुल्य धारिता C है, तुल्य धारिता कितना है? C है। अच्छा, तुल्य धारिता C है तो हम क्या करेंगे, तो C बराबर मतलब कैपिटल C बराबर 1 × 2, एक बार तुल्य धारिता और 1 × 2, यहाँ पर 1 × 2 सॉरी एक तुल्य धारिता दोनों को जोड़ेंगे एक, ठीक है, 2 वाला तो इसको जोड़े तो 1 × 2 1 + 2 मतलब तुल्य धारिता निकालने के लिए है डायरेक्ट, तो 1 × 2 हो गया और 3 हो गया। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं तो माइक्रो फैराड आ गया, इतना इतना कितना आ गया, इतना माइक्रो फैराड, ठीक है, 2/3 और गुड़ा माइक्रो का मान 10^6 और फैराड को फैराड रहने दीजिए, ठीक है। अब संधारित्र पर आवेश निकालते हैं, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, देखिए ये हमें धारिता निकालना पड़ा क्योंकि संधारित्र पर आवेश निकालना है। आवेश में जब हम Q बराबर करेंगे CV, जहाँ C की ज़रूरत पड़ती, इसलिए मैंने C को क्लियर कर लिया, तुल्य पूरा निकाल लिया कि तुल्य धारिता हमारी कितनी बन रही है, तुल्य धारिता निकल गया, अब हम इसमें यूज करेंगे। तो C का मान हमारा निकला है यहाँ पर पता है 2/3, तो 2/3 और गुणा 10^-6 और गुणा V का मान जो है 10, V का मान कितना है 10 यहाँ पर, उसके बाद काटेंगे तो कटेगा है ही नहीं, नहीं कटेगा तो 10 × 20 तो होना ही है, 20/3 और गुणा 10^-6 ऊपर है तो ऊपर रह सकता है, बाकी आपकी इच्छा है इसको फिर से माइक्रो में चेंज कर सकते हैं, 20/3 μF, इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें F नहीं, इसमें C रहेगा क्योंकि ये अब संधारित्र आ गया, संधारित्र इसलिए इसमें C लिखा जाएगा। ये इस परिपथ वाली सवाल थी, तो इस तरीके से 2 सवाल हैं।
एक सवाल और है, लेकिन उसको क्या है मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप खुद बनाइएगा, देखिए बनता ही नहीं, बहुत छोटा सा है, अनुपात में है, बस आपको उसमें डिफ्रेंशिएट कर ले, मतलब उसको अनुपात में मान निकाल लीजिएगा और निकाल कर एक बार ट्राई करिएगा कितना है, आंसर दे दीजिएगा जो हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, अगर लगाएं तो, नहीं लगाएं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा राइट है कि नहीं है, या फिर मैं आंसर भी बता देता हूँ, 2/3 आएगा, अगर आ गया तो अच्छा है, ठीक है। ये इस तरीके से मैं 3 क्वेश्चन का यहाँ पर ये वीडियो था, क्वेश्चन थोड़ा बड़े थे इसलिए मैंने सोचा कि इसमें से आपका जो डेरिवेशन होता है वो आएगा, डेरिवेशन मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का क्रम बाय क्रम डेरिवेशन भी हो जाएगा, आंकिक प्रश्न चल ही रहा है चैप्टर वाइज, धीरे धीरे चलता रहेगा, परीक्षा आने से पहले पहले कम्प्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे बढ़िया से। तो ये था आपका वीडियो, और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब, यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और इंग्लिश अगर आप ज़रा से भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप शब्दों को जोड़ जोड़ करके पूरी कंप्लीट इंग्लिश सीखेंगे, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 2-3 प्लेलिस्ट है, मनपसंद चेक कर लेना। और मैथ भी अगर आप ज़रा से भी नहीं जानते, मैथ की भी आपकी प्लेलिस्ट 2-3 प्लेलिस्ट है, जैसे भी आपका लेवल है वैसे चेक कर लेना, ओके। मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।